Hussain to present a Dastan installation and हाजिन हमारे लिए तो कोई बात नहीं, हम परफॉर्मर हैं, हमारा एक तरह से कुछ काम ही यही है। तो डॉक्टर विनायक सेन और एलेना के लिए बहुत ज्यादती है कि पहले वो जिंदगी में कुछ वाकयात से गुजरे, फिर दिल्ली में एक बार उसका परफॉर्मेंस देखें, फिर दोबारा उसका परफॉर्मेंस देखें, ये उनसे माफी मांगते हुए अपनी बात देखते हैं, इसलिए हम बता ले पाते हैं। जनाब, आप में से जो लोग हमारी दास्तान गोई पहले देख चुके हैं या सुन चुके हैं उनको मालूम है कि तिलिस्म क्या चीज होती है, और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जल्दी से जल्दी देख लें ताकि उन्हें पता लग जाए कि तिलिस्म क्या चीज होती है। तो हम जब रिवायती दास्तानें सुनाते हैं जो हमारे पुराने दास्तान गोयों ने सुनाई थी, उसमें हम तिलिस्म का बयान करते हैं। तिलिस्म एक ऐसी जादुई दुनिया है जो जादूगर अपने जादू के जोर से बनाते हैं। साहिर कहते हैं जादूगर को और सहर कहते हैं जादू। तो साहिर सहर करके ऐसी तिलिस्मी दुनियाएं बनाते हैं जो इस दुनिया से बहुत अलग होती है। उसमें जो होता है वो अक्सर दिखता नहीं और जो दिखता है वो अक्सर होता नहीं। तो तिलिस्म कई तरह के होते हैं। कुछ तिलिस्म हैं जो सिर्फ आईने से बने हुए हैं, कुछ तिलिस्म हैं जो तिलिस्म फिरंगी है जिसमें जो दाखिल होता है अपने आप अंग्रेजी बोलने लगता है। तो ये सारी दुनियाएं हमारे जो पुराने दास्तान गो थे उन्होंने बनाई थी, उन्होंने अपनी जबानी फन से सुनाते सुनाते बनाई थी, और इतना सुनाया था कि उन्होंने जो अमीर हमजा की दास्तान थी, अमीर हमजा जो इन स्टोरीज के इन दास्तानों के जो हीरो थे, वो जब छपी नखलऊ में तो वो 46 जिल्दों में जाके छपी थी हाजिर, जो सिर्फ जबानी सुनाते सुनाते निकाली गई थी। तो आमतौर से तिलिस्म में साहिर होते हैं और अमीर हमजा और उनके साथी उन साहिरों से मुकाबला करते हैं। अमीर हमजा के बचपन का साथी है अमर अय्यार, वो अय्यारों का शहंशाह है। अय्यारों का काम यह होता है कि वो भेस बदल के, धोखा दे के, मकर करके, फरेब दे के किसी भी तरह बड़े से बड़े साहिर को परास्त करते हैं। अय्यार अगर आज के दौर में होते तो यकीनन सियासतदान होते। जनाब, इसमें अय्यार का मुकाबला साहिरों से होता है आमतौर से दास्तानों में। आज जिस जगह की दास्तान हम सुनाएंगे उसका नाम है तिलिस्मे कोहिस्तान। वो एक अजीबो गरीब जगह है, वहां कोही लोग रहते हैं और कोहिस्तान की ये दास्तान है। इस दास्तान का आगाज, शुरुआत इसकी कोई आज से 4 बरस पहले हुई थी जब डॉक्टर सेन जेल में थे और दिल्ली में कुछ साथियों ने वहां कुछ एक तकरीब मुनक्कद की थी, उसमें हमने कुछ इसका पोर्शन सुनाया था और अब इसको थोड़ा और बढ़ाया है। तो आज की दास्तान में एक तरफ अमर अय्यार है, एक तिलिस्म कोहिस्तान है और उस तिलिस्म का बादशाह है अफरासिया। तो अमर ने अपनी अय्यारी से बड़े बड़े तिलिस्म तोड़े हैं और ये तिलिस्म कोहिस्तान जो है ऐसे तिलिस्म का उसका पहली बार साबका पड़ा है। अब इस तिलिस्म कोहिस्तान में वो किस तरह की अय्यारी दिखा पाएगा या नहीं दिखा पाएगा, ये इस दास्तान में हम आपके सामने पेश करेंगे। आज हाजरी, उर्दू और हिंदी की आप पे बहुत मार पड़ रही है। 60 साल से हुकूमत आपको हिंदी से मार रही है, 6 साल से हम आपको उर्दू से मार रहे हैं। तो आप घबराइएगा नहीं, यकीनन एक हैंड आउट दिया गया था वो तो आपने नहीं पढ़ा होगा। लेकिन कभी कोई उलटी हुई बात अगर आपको पसंद आ जाए, कुछ आप खपत लिया और आपने कैच कर लिया और आपको अच्छी लगे और आप अपने आप को 2-4 फीट हवा में उड़ता हुआ, तो आप दोबारा अंग्रेजों की तरह से ताली ना बजाइएगा। क्योंकि उर्दू का एक मुहावरा है, अगर किसी की ताली पिट गई तो उसकी इज्जत कर। अगर आपको कोई चीज अच्छी लगी तो हिंदुस्तानी में 2 उसके लिए अल्फाज है, आप कहेंगे ये मुझे शुरू से ही मालूम था कि बड़ा सेडिशियस ऑडियंस आ रहा है।
आपके सामने रास्ता। आप लोग तो सब ऐसे भी अपने कान भूल के आए हैं, वन कान वाले लोग जिस महफिल में आने वाले नहीं थे वैसे भी। तो जरा बगैर ज्यादा तमहीद के पेश है दास्तान जुड़ुम जुड़ुम की और अमर अय्यार के तिलिस्म कोहिस्तान के सफर की। तो आमतौर से दास्तान की शुरुआत साकीनामे से होती है, यानी शराब पिलाने वाले की कहानी से। चूंकि ये तिलिस्म अलग तरह का है इसलिए साकीनामा भी हम थोड़ा अलग पढ़ेंगे। काजी पेश है साकीनामा। कहा तो तय था चिराग हरेक घर के लिए, कहा चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। यहां दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहां से चले और उम्र भर के लिए। न हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं सफर के लिए। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। फिरा निजाम है सिल दे जबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। कहा तो तय था चरागा हरेक घर के लिए, कहा चराग मयसर नहीं शहर के। तो गुलगुना कशाने आरिज़े शाहिदे बयान इस तरह फरमाते कि तिलिस्म में कोहिस्तान नाम है उस तिलिस्म का कि जिसका बादशाह है अफरासियाब, कि जिसकी अमलदारी में 60,000 मुल्क जादूगर और जादूगरनियों के आबाद हैं, कि बादशाह उन मुल्कों के सब अफरासियाब के मुदीयुमिनकार हैं। और सहर किया ऐसा अफरासियाब ने कि वो 60,000 मुल्क के बाशिंदे अपनी अपनी मुल्कियत भूल कर खुद को सिर्फ तिलिस्म कोहिस्तान का वासी समझते हैं। सुबह शाम उसके झंडे को सलामी देते हैं, उसके तराने गाते हैं और हर वक्त उसकी तारीफ और सना में मसरूफ रहते हैं। और उस तिलिस्म कोहिस्तान के 3 हिस्से और मकाम हैं। पहला हिस्सा उस तिलिस्म कोहिस्तान का है पर्दे जुल्मात यानी अंधेरे का पर्दा, पर सहर किया ऐसा कि वहां ना अंधेरा है ना पर्दा, कि वहां बड़े बड़े चोर लुटेरे डाकू मुजरिम सब के सब उच्च वर्ग के लोग हवा वक्त तरक्की और जमहूरियत का विरोध करते रहते हैं। और दूसरा हिस्सा उस तिलिस्म बातिन का है, तिलिस्म कोहिस्तान का है तिलिस्म बातिन यानी नजरों से छुपा हुआ तिलिस्म, कि जहां मुतवस्सत तबके के लोग रहते हैं और हर वक्त शहरियों के हुकूक की बात करते रहते हैं, तिलिस्म अमेरिका के शहर में मशगूल रहते हैं और एक घर से दूसरा, एक डिग्री से दूसरी, एक तख से दूसरा जमा करने की फिराक में चोला और चैनल बदलते रहते हैं, बिजली सड़क पानी के इंतजाम की शिकायत में मसरूफ। बाजे उनमें से ऐसे हैं जो दरस कागों में ऑल इज वेल का दरस कुछ हैं जो अदालत की महिमा गुणगान करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो सहाफत की परस्तिश करते हैं, ठंडे ठंडे कमरों में सोते हैं और इजहारे राय के शहर से मुतमईन रहते हैं। कुछ उनमें ऐसे भी हैं जो हर 2 महीने में झंडा उठा के या कलम चला के अपनी सियासतदानी पे खुद फिदा होते रहे। बज़ाहिर ये सब पर्दे जुल्मात की मुखालिफत करते हैं पर पसे पर्दा पर्दा ओढ़ने के मुतमन्नी रहे। और तीसरा हिस्सा उस तिलिस्म कोहिस्तान का है तिलिस्म जाहिर यानी नजरों के सामने का तिलिस्म, की जहां रियाया पराया मजदूर आम लोग किसान अनुसूचित जाति जनजाति वगैरह के लोग रहते हैं,
विलासत में घर नालियों में बसेरे बनाते हैं, जिन्हें न आराम शक को न राहत सवेरे, सुबह से शाम मजदूरी करते हैं और जुल्मात के पहरेदार उन्हें एक जगह से दूसरी जगह खदेड़ते रहते हैं ताकि वो अपने घरों और जंगलों और आबाई वतन से हजारों कोस दूर जाकर पुल सड़क शाहराहें और आहनी बांध बनाए कि जिन पर जुल्मात और बातिन के बाशिंदे सफर कर सके। कुछ जो कोई हैं जिनकी सोना उगले हीरे मोती उगले जमीन को जुल्मात के बाशिंदों ने तिजारत के बहाने हथियार रखा है, और अफरासिया और उसके साथी जिसके बनवाए हुए सैरगाहें और इमारतें और मकान जा बजा उस तिलिस्म में तामीर हैं, हवा के तख्त पे सवार सबकी सैर करते फिरते हैं और मुल्क के कोहिस्तान की खुशहाली पर डॉक्यूमेंट्री बनाया करते हैं। तो हाजरीन, जब अफरासियाब के बनवाए हुए इस तिलिस्म कोहिस्तान में अय्यार बेनजीर वाला तकबीर हुनर परवर ख्वाजा अमर और चार उनके चेले दाखिल हुए तो शक्ल अपनी साहिरों की बनाकर चार तरफ तिलिस्म में फिरना शुरू किया। कहीं सहराए खौफनाक नजर आया तो कहीं दश्ते हैबतनाक सामने दिखा, इस बात की चट्टाने उन चट्टानों के पहाड़ उन पहाड़ों से निकलते धुएं साहिर सहर करते, आग और पत्थर आसमान से बरसते गरज के, ये सब कैफियत देखते हुए अय्यार अलहदा अलहदा चले जाते थे कि एक मकाम पर अमर जो पहुंचा सहराए अजीब देखा, देखा कि सारा जंगल चांदी का है, घास के बदले मुकैश उगी हुई है। अमर हाजिर लाची बहुत है, अब तो उसने ये माजरा देखा तो दिल से तसव्वुर किया, हाय मुमकिन होता तो ये सारा जंगल अपनी जंबील में रख लेता, क्या करूं कुछ बस नहीं। तभी ख्याल किया कि हसिया जंबील से निकालो और जहां तक हो सके यहाँ की घास काट, और घास काट के जंबील में रखा। बस हसिया जंबील से निकाली और लगा घास काटने, अभी थोड़ी ही घास काटी थी अमर को एक दिल दहला देने वाली सदा सुनाई दी। अब जो उसने गर्दन उठाकर सामने नजर की तो जंगल के बाहर खुले मैदानों में हजारों कोही एक दूसरे से जुड़े हुए त्राही त्राही करते लुटे पिटे चले आते हैं। कोही जब हरकत करते हैं तो आवाज आती है चुड़ुम 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 चुड़ुम। अमर ने जो ये माजरा देखा शक अपनी एक कोही की बनाई, कद बस्ता किया, जिस्म को काला किया, नाक चपटी की और उस मैदान में दाखिल हुआ। लश्कर में जो दाखिल हुआ एक बच्चा जो रोता फिरता था उसको गोद में लिया और उसे पुचकारने लगा। अजीब माजरा देखा कि हर तरफ साहिल हवा के तख्त पे सवार सैर करते फिरते हैं, हर साहिल के साथ चार चार कोही जुड़े खड़े पहरा दे रहे हैं और लश्कर के इर्द गिर्द जितने भी मर्द हैं सब बूढ़े बच्चे लड़के हथियार उठाए जवान नदारद। अपने आप को अकेला जवान पाकर अमर ने सोचा कि आफियत इसी में है, यहां से निकल जाओ। बस बच्चे के सीने में मूछ पाया, कुछ काटता हुआ वहां से निकला, कुछ दूर आगे बढ़ा, प्यास का गलबा बढ़ा, सोचा कि पानी पीऊं, डोल ली कुएं में डाली। अब जो कुएं में डोल डाली तो पानी तो कुएं में नजर नहीं आया, चार कोही मुंह पे डाटा बदा हुआ, हाथ पैर रस्सी से पीछे बंधे आसमान की तरफ टकटकी लगाए नजर आए। अमर दूसरे कुएं पे पहुंचा, वहां भी पानी नजर नहीं आया, वहां भी चार कोही बंधे हुए आसमान की तरफ टकटकी लगाए नजर आए। अब अमर जिस कुएं पे जाता है वहां पानी तो नहीं मिलता, सिर्फ कोही कैदी बने नजर आते। लाचार एक जगह थक कर जंबील से थोड़ा पानी निकाला कि पीऊं, पर पानी पीते ही प्यास का गलबा बढ़ गया। हैरान हो, ये कौन सी जगह है जहां जंबील की तासीर क्यों लग गई। फिर दूर चटियल मैदान में एक अकेला बड़ का पेड़ नजर आया, सोचा कि चलो थोड़ी देर उस पेड़ की छांव में जाके सुस्ताऊं। पेड़ के करीब पहुंचा, अभी बैठा भी नहीं था, यकायक बड़ की जड़ में एक खौफनाक शक्ल नजर आई। फिर देखा तो शक्ल आया,
अमर जब बरगद के पेड़ के नीचे बैठा तो आसपास की जड़ें जितनी थीं सब झूलने लगीं और हर जड़ में एक बूढ़े कोही की शक्ल नजर आई कि उल्टा लटका हुआ सिन रसीदा लुंड मुंड सूखा डंडा हड्डियों का ढांचा दाढ़ी बढ़ी हुई। वाकई अमर ने जब देखा तो बरगद की हर शाख शाख न थी बल्कि उल्टा लटका हुआ बूढ़ा कोही था। पर कोई अमर से आंख न मिलाता था बल्कि आंख यूं मिचकाता था कि जैसे आंख कोई ना। दूर से देखो तो बरगद का पेड़ और करीब जाके देखो तो उल्टे लटके हुए बूढ़े कोही। हवा जो सरसराई तो अमर को सनसनाती हुई आवाज सुनाई दी, किससे कहें कि हम जो सदमा गुजर गया, खाली हुआ अजीजों से घर दश्त भर गया, दुनिया से दो पहर पे मेरा घर भर गया, बेटा जवान कत्ल हुआ भाई मर गया। अमर ने जो ये हालत देखी तो सोचा कि यहां से उठूं और कहीं और जाके पनाह लूं। ये ख्याल करके वहां से उठा और कतरा कर निकला और लश्कर की सरहद पे आया। अभी बाहर जाना पाया था कि वहां तैनात पहरेदारों ने उसका रास्ता रोका और कहा, अबे आ जाता है। ये अपने घर को जाता हूं। घर? कौन सा घर? ये अपने गांव कोहियों के गांव में। अबे तुझे इतना भी नहीं मालूम कोहियों के घर नहीं होते? कोही या तो लश्कर में रहते हैं या शहर में रहते हैं या कैद खाने में रहते हैं। मैं तो लश्कर में रहता है इतना भी नहीं जानता है। भैया परदेश गया था, अभी लौटा हूँ। यहाँ तो हाल ही अब तक देख रहा हूँ, समझ ही नहीं आता। भैया तो हमारा घर था या तो हमारे गांव थे, गांव पे गांव थे, चश्मों पे चश्मे थे, नहरों पे नहरें थी, कहाँ गए वो सब? यहाँ तो हमारी हुकूमत थी। अबे किस बाबा आदम के जमाने की बात है? वो हुकूमत भी कोई हुकूमत थी? अब वो हथियार भी कोई हथियार थे? अरे वो पत्ते बिनना, वो लकड़ियां बटोरना, वो जंगल के सहारे अपनी भूख मिटाना, वो जिंदगी भी कोई जिंदगी थी? अब हम पे साहिरों की हुकूमत है, हम तारीख के दायरे में आ गए हैं, हमारी तरक्की हो गई है। तरक्की समझता है कि नहीं, कहां से आया है? तरक्की हो गई है तो आप हथियार किए यहाँ पैदा कर दे रहे हो है? लोग आओ भूखा कहे कर रहे हैं, यहाँ अमन चैन क्यों नहीं है? अबे बड़ा अमन चैन की बात करता है, लगता है ये भी बागी ना यार में शामिल हो गया। साफ साफ बयान कर, अय्यार है कि ना अय्यार? मैं तो कोई हूँ। अबे कोई तो हम हैं, तभी तो देख एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने हरकत की, आवाज आई चुड़ुम 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 चुड़ुम। अमन ने देखा कि मामला गरमाता है, पर कुछ तकबीर सोची अय्यारी करने की फिराक में कहने लगा, भाई अगर आप मुझे यहाँ से जाने दें तो एक ऐसी नायाब चीज आपको तोहफे में दूंगा कि आप ता जिंदगी मुझे दुआएं देंगे। ये कह के एक मुर्गी के अंडे के नाप के बराबर मोती जेब से निकाला और निकाल के उनको ही पहरेदारों को दिया। उन्होंने वो मोती देखा, फरेफ्ता हुए, कहने लगे, अरे भाई ये तो परदेश से बड़ी नायाब चीज लाए तुमने, जरा करीब से दिखाओ हम भी देखे। अमर ने कहा, हुजूर ये तो कुछ नहीं, जरा इस मोती को अपने दहन के करीब लाइए और इसे मुंह की भाप दीजिए, फिर इसकी चमक और आबदाद देखिए। उसको ही पहरेदार ने मोती को लिया, अपने दहन के करीब लाया, मुंह की भाप देना शुरू किया। यकायक मोती फटा, उसमें से फुलझड़ी की तरह से धुआं निकला, धुआं मुंह और नाक के रास्ते से जाके उसको ही पहरेदार के दिमाग में पेचीदा हुआ और वो चक्कर खा के जमीन पे गिर गया और बेहोश हो गया। वो जो बेहोश हुआ था, अमर खुला मारता हुआ वहां से भाग निकला। भागता जाता है मगर अजीब नजारा देखता है, उल्के कोहिस्तान की फिजा एकदम पलट गई है, जंगल बयाबान में तब्दील हो चुके हैं, खेत खलियान सूने पड़े हैं, गांव वीरान है, जहां पहाड़ थे वहां पहाड़ों के बराबर खाइयां हो गई हैं। न आदमी न आदमजात, न चरिंद न परिंद, धुएं के मरबोले उड़ते हैं, पूरा मुल्क खुदा पड़ा है, खदानें हर तरफ रवा हैं, अजीबो गरीब आवाजें आती हैं, जमीन मातमी रंग ओढ़े है, जटिल मैदान पेड़ सूखे, फिरते थे दरिंदे प्यासे भूखे, चलते ऐसे वहां के कंकर, चिंगारियां थी कदम कदम पर, जो खास जमीन में वहां थी, सूखी किसी प्यासे की ज़बा थी, चलती थी गजब हवाए वहशत, फिरता था वो मुक्तिलाए वहशत।
हमारे पसीने में गर्क था। थोड़ी दूर और जो आगे बढ़ा तो यकायक एक बहुत जोर का धमाका सुनाई दिया। आसपास जितने दरख्त थे सब जमीन पर गिरे, अमर खुद जमीन पर गिर गया। और जो चरिंदो परिंद उन दरख्तों पर थे कि बंदर लंगूर तोता मैना फाख्ता हिरन सांप बिच्छू कौवा साई खरगोश नेवला कौवे सब कुछ चूटी मच्छर दीमक खटमल ऊती दानी बैगनी जामनी गोरी नीली काली पीली सुर्ख चा सफेद सुनहरी सब के सब पट पट करके चले मुझे ओलों की तरह जमीन पर आ गिरे। आसमान वीरान हो गया, जमीन धंसने लगी, अमर उसके साथ धंसने लगा। फिर कुछ सोचा और इसमें आजम का मंत्र पढ़ा। यकायक एक शाख पैदा हुई, शाख को पकड़ा, जस्ट किया और दूर जंगल में निकलकर अय्यारी की जफीर यानी सीटी बजाई, जिसको सुनकर उसके शागिर्द बर्फ फिरंगी ने अपने आप को अमर के पास पहुंचाया। उस्ताद फरमाइए। बेटा यहां तो बड़ा गड़बड़ मामला देखे यार। उस्ताद कोहिस्तान की फिजा पलट गई है। अरे इन साहिरों ने कोहिस्तान का हमला कर दिया है, कोहियों को अपने ही मुल्क से बाहर निकाल दिया है और इतने चालाक हैं खुद नहीं लड़ते, कोहियों को हथियार थमा दिया है, कोही से कोही को लड़वाते हैं, कोही से कोही को मरवाते हैं। और ऐसा निजाम खल किया है उस्ताद कि अमन चैन कोई अगर जबान पे भी ले आए या आजादी कोई ख्याल में भी ले आए तो मुंह पे डाटा बांध के कुएं में फेंक देते हैं उसको। हकीम को भेजा था हमीद ने यहाँ कोहियों की मदद के लिए। हकीम का हाल तो बुरा है उस्ताद। अरे उसने सलाह बूढ़ों का इलाज किया, बच्चों को शफा बख्शी, कितने कोहियों को तालीम दी, कितने कोहियों को खुद हिकमत की तालीम दी, और इन साहिरों ने उसको मुल्क का दुश्मन करार दे के कैदखाने में डाल दिया। अरे उस्ताद खता बेचारे की इतनी थी कि एक सजा याफ्ता बूढ़े ना यार सरदार से कैदखाने में अहवाल कुर्सी के लिए जाया करता था, पर दरवाजे पे खड़ा होकर साहिर जिंदाबाद साहिर पाइंदाबाद चापलूसी नहीं करता था, बस जल के कैदखाने में डाल दिया। ये तो वही बात हो गई बेटा है कि निसार मैं तेरी गलियों के वतन की जहां चले रस्म के कोई न सर उठा के चले, कोई चाहने वाला तवाफ को निकले नजर चुरा के चले जिसको जा बचा के चले। हम ये नज़्में बस तो कुशा संग खिश्त मुकैद है और सग आजाद। बहुत लंबी अयारी सोचनी पड़ेगी इसके लिए। अरे साहिब बेअदील जादू की अदालत में उस हकीम पर मुकदमा चलाया जाएगा। अरे इन कमबख्त साहिरों ने ऐसा निजाम खल किया है, ऐसा शहर ईजाद किया है जिसका तोड़ ही नहीं, उस शहर को कानून कहते हैं। कानून कहते हैं उसका, कानून का तोड़ सिर्फ कानून से ही हो सकता है। अब मैं तो फिरंगी हूं, मुझे तो कोई रोकेगा नहीं। आजकल तो फिरंगियों को खुश करने के लिए सरकारी अंदर बात बता दिया कर लीजिए। पर उस्ताद आपको कोई जहमत ना हो इसलिए मैं ये खाकी वर्दी आपके लिए लाया। आजकल खाकी वर्दियों वालों का बड़ा बोलबाला है, आप पहन के चलिए ना कोई नहीं रोकेगा। ठीक है बेटा सुबह हम लोग चलेंगे, पर इस वक्त तुम अपनी राह लो मैं अपनी राह लेता हूँ, अलग अलग रहना ही बेहतर है। ठीक है उस्ताद, हालात देख के खुदा हाफिज। ये कह के बर्फ एक तरफ को गया, अमर दूसरी तरफ रवाना हुआ। इस अरसे में रात तमाम हुई और साहिरे मशरिक जोली जर्रारे शुआ के लिए चरखे शोक दबास पर आया, यानी सुबह हो गई। तो सुबह जब हुई निकल आया मशरिक से जब आफ्ताब, हुआ फिर से रोशन जहाने खराब। तो अमर और बर्फ एक जगह पर मिले और वहां से उस अदालत की तरफ चलना शुरू किया। और रास्ते में अमर बर्फ से कहने लगा कि बेटा आज के दौर में ना चश्मे नम जाने शोरीदा काफी नहीं। उस्ताद तो होते इस पोशीदा काफी नहीं। आज बाजार में पा बजौला चलो, दस अफशा चलो, मस्तुर अफसा चलो, खाक बरसर चलो, खून बदामा चलो, रक्त दिल बांधो दिल फिदारों चलो, फिर हम ही कत्ल हुआए यारों चलो। अमर और बाप की बातें करते हुए उस चार दीवारी में पहुंचे। अभी अदालत के अंदर कदम उस कमरे में ना रखा था कि अमर को दूर से एक अजीबो गरीब जबान में एक अजीबो गरीब आवाज आती सुनाई दी। क्या दिनांक 6/5/7 अथवा उससे पूर्व, रेलवे स्टेशन रोड रायपुर, या होटल महेंद्र रायपुर, या होटल गीतांजलि रायपुर, या केंद्रीय जेल रायपुर, या केंद्रीय जेल बिलासपुर, या कटोरा तालाब रायपुर में अभियुक्त करने नक्सली और आतंकी गतिविधियों की विध्वंसक कार्रवाइयों को अंजाम देने के लिए
नट सही साहित्य समाचार पत्र पत्रिकाएं एकिकाएं चिट्ठियां कैसेट सीडी कंप्यूटर सीपीयू इत्यादि एवं दुष्य प्राण सामग्रियां साधनों संकेतों द्वारा राज्य सरकार अथवा भारत सरकार पे युद्ध किया या युद्ध करने का प्रयत्न किया या युद्ध करने का दुष्प्रेरण किया अथवा अभियुक्त गण ने साधनों एवं संकेतों द्वारा विधि द्वारा स्थापित भारत सरकार के विरुद्ध घृणा या अवमान या अप्रीति प्रदीप किया या उसका प्रयत्न करके राजद्रोह करने का आपराधिक षड्यंत्र कारित किया या अभियुक्त गण ने विधि विरुद्ध संगठन के प्रयोजन के लिए किसी प्रकार का अभिनय प्राप्त किया या उसकी याचना की या कुछ भी किया कौन सी जबान है जो हजरत खेजर ने मुझे नहीं सिखाई है सुनने में तो उर्दू की तरह लगती है इसमें बड़े विदेशी अल्फाज उसे सरकार ये आधुनिक हिंदी और वो कौन सी हिंदी थी जिसमें हमारे जिद्दे अमजद मीर और गालिब वगैरह शायरी क्या लगते थे वो घुसपैठिया हिंदी थी शायरों ने साफ पाक नफीस हिंदी बनाई भारत सरकार क्या बना है आजकल उस्ताद हिंदुस्तान को भारत सरकार कहते हैं हिंदुस्तान का कब्जा है ना ना कोहिस्तान पे भारत सरकार का कब्जा है अथवा विधि विरुद्ध संगठन का सदस्य होते हुए उक्त विधि विरुद्ध संगठन के प्रयोजनों के लिए क्रियाकलापों सम्मेलनों में भाग लिया या विधि विरुद्ध संगठन के प्रयोजन के लिए अभिदाय प्राप्त किया या विधि विरुद्ध संगठन के प्रयोजन के लिए अभिदाय प्राप्त करने की याचना करने का आपराधिक षड्यंत्र किया या विधि विरुद्ध संगठन के किसी सदस्य को संशय प्राप्त किया या विधि विरुद्ध संगठन के किसी सदस्य को संशय प्राप्त करने की याचना करने का आपराधिक षड्यंत्र या विधि विरुद्ध संगठन के प्रबंधन के लिए प्रयास किया या उससे अपने आप को किसी तरह सहयोग किया बैठकों एवं सदस्यों को बढ़ावा दिया या अपने आप को किसी तरह उससे जोड़ा अमन ने जो सुना तो बर्क से कहा बेटा बर्क क्या हो रहा है किसने क्या किया इसको कोई रोकता क्यों नहीं है उस्ताद इसको जो रोक सकता है वो भाषा ही नहीं जानता अरे यहाँ सब बेजुबान है थोड़ी बहुत फिरंगी गिटमिट जान लेते हैं बस ये जो यहाँ बैठे हुए अच्छा और वो एक बलाते नखलऊ से एक हिंदी वाले को भेजा था अमीर ने क्या नाम था उसका कुछ अतुल तिवारी क्या अरे उनका हाल तो बहुत बुरा है वो मणिरत्नम के शहर में गिरफ्तार है सारे इल्जामात सुनने के बाद अदालत को यह शक नहीं रह गया कि वाकई में एक मुजरिम है पर चूंकि ये एक इंसाफ परस्त निजाम है इसलिए हम चाहेंगे कि कानूनी कार्रवाई पूरी की जाए तो मैं लायक और काबिल सरकारी वकील साहब से इस्तेदा करूंगा कि आप मुकदमे की कार्रवाई शुरू कीजिए हुजूर हुजूर जरा इनसे पूछिए कि इन्होंने दाढ़ी क्यों रखी और रखी की तो फिर मुड़ाई हाँ जी दाढ़ी क्यों दाढ़ी रखना कोई जुर्म है क्या जुर्म तो नहीं है पर जुर्म का परिचायक तो हो सकता एग्जैक्टली मेरा जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल देखिए हुजूर बात यह है कि ये ना तो कोई मुसलमंडे हैं ना कोई सरदार ना फिर कोई गंजेड़ी साधु फिर दाढ़ी किस लिए और क्यों कर हुजूर सर्वविदित है कि दाढ़ी रखने वाले जो लोग होते हैं वो एक खास मानसिकता वाले तत्व होते हैं जिनमें से अधिकतर विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध घृणा का अवमान या अप्रीति प्रदीप करते हैं आप अपने इर्द गिर्द देख लीजिए हुजूर किस किस तरह के लोग दाढ़ी रखे हैं वो देखिए अपने आप बात साबित हो जाती है हुजूर मैं पूछता हूं कि क्या कभी कोई संस्कार युक्त निष्ठावान राष्ट्रभक्त अशिक्षित ग्रामीण हिंदू बिना बात के दाढ़ी रखता है हुजूर एक आम शहरी हिंदू दाढ़ी तभी रखता है जब वो अपने समाज से अपने देश से अपनी सरकार से असंतुष्ट होता है दाढ़ी रखने का मतलब
मतलब है समाज से दुखी होना। मैं कहता हूं हुजूर, 9% ग्रोथ रेट वाले समाज से दुखी होने का क्या मतलब है? जो आज दुखी है वो कल अराजक होगा, परसों राजद्रोही होगा, तरसों देशद्रोही होगा, नरसों माओवादी हो जाएगा। दाढ़ी ही निशान है, दाढ़ी ही पहचान है, दाढ़ी ही अभियोग है, दाढ़ी ही सबूत है। मैं आपको बयान करता हूं कि मैंने दाढ़ी क्यों रखी। मैंने एक किताब में पढ़ा था कि एक गोरे आदमी ने अपने मुंह पे काले पन के पूरे अमेरिका का भ्रमण किया सिर्फ ये जानने के लिए कि नस्लवाद के साथ जीना क्या होता है। सन 91-92 में जिस तरह से एम प्रदाय के लोग आतंकित थे, मैंने इस किताब से प्रेरणा पाकर यह फैसला किया कि मैं दाढ़ी उगाऊंगा और हिंदुस्तान का सफर करूंगा सिर्फ ये जानने के लिए कि शक के दायरे में जीना क्या होता है। देखिए देखिए देखिए, अरे हुजूर, अरे ये मंशा अगर शरारती नहीं तो और क्या है? कहां अमेरिका का नस्लवाद, कहां हमारे देश की मिलीजुली तहजीब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई हैं? हिंदू हो के मुसलमान होने का ढोंग करना, पुराने जख्मों को कुरेदना, अरे ये झूठी हमदर्दी नहीं तो और क्या है? पाखंड है, नैतिकता विरोधी है। हुजूर मैं कहता हूं तुष्टीकरण का इससे बड़ा पुष्टीकरण कोई हो सकता है क्या? और अगर रखी थी तो फिर मुलाई क्यों? हाँ जी, है कोई जवाब? नहीं है हुजूर, अरे हो ही नहीं सकता। मैं कहता हूं ये चुप्पी, ये खामोशी, ये निरंतरता, यही एक चीज इनको गुनाहगार साबित करने के लिए काफी है हुजूर। बेशक बेशक, काफी तो है, पर अदालत जी नहीं चाहती वकील साहब की बेगुनाही की कोई भी गुंजाइश बाकी हुजूर। इसलिए मैं आपसे ये सवाल करता हूं, अदालत की नजर में ये शख्स कौन है? एक कुख्यात आतंकी और साजिशी है हुजूर। क्या जुर्म है इसका? हुजूर ये बहुत बड़े विधि विरुद्ध संगठन के सरगना से ना यार सरदार से कैदखाने में मिलने जाता था, उसके पैगाम और हदूद बाहर के लोगों को उनके साथियों को पहुंचाता था। क्या आप किस बिना पर कह सकते हैं? हुजूर हमने एक ताजिर को गिरफ्तार करवाया था, उसके पास से खतूत बरामद हुए, किसी ने दिए होंगे? कोई जवाब कोई सबूत? हुजूर देखिए, अव्वल तो उस नाया सरदार से इनके अलावा कोई मिलने नहीं जाता था, दूसरे उस ताजिर की गिरफ्तारी के वक्त एक राहगीर ने उठी हुई खबर सुनी थी कि ये खत इन्हीं ने उसको दिए। हुजूर आप तो जानते हैं हमारे शहंशाह अफरासियाब को उड़ती हुई बातों पर कितना भरोसा है। हुजूर जगह जगह जाग फैला रखे हैं, उड़ती हुई बातों को गिरफ्तार कर लेंगे। क्या करते रहते हैं हुजूर? बेशक बेशक, शहंशाह अफरासियाब को तो सिर्फ उड़ती हुई बात पर एतबार है। हुजूर बात उड़ती है तो फिर दूर तरफ जाती है। इनका अपनी सफाई में क्या कहना है? हुजूर ये कहते हैं कि मैं जब भी कैदखाने में गया उनसे मिलने, उस वक्त कैदखाने के जो निगरान थे वो अमला अफसर वगैरह रहते थे, मुमकिन ही नहीं कि उनकी निगरानी में कोई मैंने चीज ली हो या दी हो। हुजूर उसमें एक और पेच ये है कि वो जो कैदखाने के अफसर है ना, उन्होंने भी बयान यही दिया है कि हाँ हमारी निगरानी में मुलाकातें होती थी, सवाल ही नहीं होता कोई चीज ली गई हो या दी गई। हुजूर उसमें मेरा ये कहना है कि ये कैदखाने के अमले वाले लोग है ना तो सरकारी नौकर है ना, सरकारी तनख्वाह लेते हैं ना हुजूर, हम लोग भी सरकार के हैं, तो ये सरकार का साथ ना देगी कैसे किसी मुजरिम का साथ दे सकते हैं? आप इनको हॉस्टाइल डिक्लेयर कर दीजिए। अदालत ये ऐलान करना चाहती है कि जो कोई शख्स मुजरिम की तरफदारी करेगा अदालत उसे हॉस्टाइल करार देगी। वैसे भी वकील साहब आपकी दलील में दम हुजूर, भाई जब उस बाबी नायार सरदार से इनके अलावा कोई और मिला ही नहीं हुजूर और ताजिर इन्हीं के शहर से गिरफ्तार हुआ जी, तो यकीनन यह खत किसी नक्सली डाकिये ने दिए होंगे, और वैसे भी ये रिस्क को स्थान है, यहां खत देने के लिए मिलने की क्या जरूरत है? दूसरा सबूत पेश हुजूर, ये एक विधि विरुद्ध संगठन के सदस्य मतलब हैं या हो सकते हैं या नहीं भी, मतलब बात मेरी कहने की है कि मानसिकता तो उनकी वही है, मानसिकता अगर नहीं भी है हुजूर तो हमदर्दी तो जरूर रखते हैं, क्योंकि बात यह है हुजूर कि उन्होंने कभी पूरे दिल से उनकी मजम्मत नहीं की, जब भी भर्सना की है हुजूर ऊपर ऊपर से की है, तो जो ऊपर ऊपर से भर्सना करता है हुजूर वो दिल में तो हमदर्दी लिए ही हुए होगा। ये जरूर उनके
साथ हैं और बाकी इनकी सदस्यता का आई कार्ड वगैरह हम लोग बनवा रहे हैं। इन्होंने अपनी सफाई में क्या कहा, यजूर ये बहुत दूर की कौड़ी लाए हैं। इनका कहना है कि भाई ऐसा है कि मान लीजिए, फर्ज कर लीजिए कि मैं किसी विधि विरोध संगठन का सदस्य हूं भी, तो भी हाल में अदालत आलिया ने ये कहा है कि सिर्फ विधि विरोध संगठन का सदस्य होने भर से कोई मुजरिम साबित नहीं हो जाता। ज्यादा हम कानून ना समझाइए, अदालत आलिया वहां बैठी है, उसको क्या मालूम ग्राउंड रियलिटी क्या है। और वैसे भी टेढ़े कानून के तीसरे हिस्से की पांचवी आयत के तहत विधि विरोध संगठन का सदस्य होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कानूनी जुर्म है। पर वकील साहब एहतियातन कोई ठोस सबूत पेश कीजिए। ये इनके घर से हमको एक खत मिला, उस बागी विधि विरुद्ध घृणा और अवमान फैलाने वाली तंजीम का एक फर्द का एक खत इनको शुक्रिया कहता हुआ इनके घर से मिला। तो इन्होंने क्या कहा, हुजूर ये कहते हैं कि अगर मेरे घर से बरामद हुआ होता तो मेरे घर की तलाशी के वक्त कागजात पे मैंने दस्तखत किए थे, उस पे भी दस्तखत मेरे होते। हुजूर मेरा ये कहना है कि देखिए ये तिलिस्म है, यहाँ कोही से कोही जुड़ा हुआ है, कागज से कागज जुड़ गया होगा तो कौन स्वभाव। और वैसे भी आग दिन धुआं नहीं हुजूर, भाई जब धुआं है तो मतलब आग, और आग है तो मतलब निजाम के खिलाफ हुजूर, और निजाम के खिलाफ है तो मतलब नियम के खोट हुजूर। लेकिन वकील साहब मीडिया वाले आजकल बहुत इल्जाम लगाते हैं, उनकी तसल्ली के लिए एक आठ ठोस सबूत और दे दीजिए। हुजूर हमको इनके घर से दो दस्तावेज मिले। अच्छा, एक तो हुजूर एक रिसाला आता है हुजूर, अवामी मोर्चे नाम का, उसका एक शुमारा मिला। हुजूर अवामी मोर्चा समझ रहे ना हुजूर, पीपल्स फ्रंट, आप समझ गए हुजूर कितना तकरीबी काम कर रहे होंगे। दूसरी चीज जो हमें इनके घर से बरामद हुई है वो है सलवा जड़ों कानून के खिलाफ हुजूर एक पैम्फलेट। पैम्फलेट पैम्फलेट हुजूर, आप तो जानते हैं हुजूर, पिछले 200 साल की इंसानी तारीख में ये पैम्फलेट नाम की चीज जहां कहीं पाई गई है फितना और फसाद का बायस। अब जब ये बेढ़ा फंसे तो इन्होंने क्या बयान दिया, ये कहते हैं कि भाई ये चीजें तो आम तौर से दस्तयाब है, पर हुजूर मैं ये कहता हूं कि जो चीज आम तौर से मिल जाती है वो जब मुजरिम के घर से निकलते है तो खासी हो जाती है। अब चूंकि इनके घर से मशकूक चीजें बरामद हो रही हैं इसलिए ये मुजरिम है, और चूंकि ये मुजरिम है इसलिए इनके घर से बरामद हो रही है। इन्हीं के घर से क्यों साहिब, भाई अगर गीता भक्त गढ़ के घर से ना मिले तो आप कहां से मिले। आप इनके रवैये के बारे में बताइए। अरे रवैये का तो पूछिए ही मत, अरे बड़ी सीना जोरी दिखाते हैं। अच्छा, अरे हुजूर जब हमारे काम और हमारे सरकार के अफसरान सरकार और अवाम के दरमियान मोहब्बत यानी प्रीति कायम करने की कोशिश करते हैं हुजूर, तो ये लोग आके उसमें अप्रीति प्रतीत करते हैं, झंडे उठा लेते हैं, जुलूस निकालते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, आवाम को बरगलाते हैं। इनकी हरकतों से तंग आके जब हमारे एक आला अफसर ने इनसे बड़ी नरम दिली से कहा कि भाई देखिए अगर आप अपनी हरकतें बंद नहीं करेंगे तो हम आपको और आपकी तंजीम के यू सिग्नल को देख लेंगे, तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा। क्या कहा, इन्होंने आंखें निकाल के जवाब दिया कि लाजिम है कि हम भी देखेंगे। अब ये हमको देखेंगे कि हम ही उनको देखेंगे। अपने आप को शहंशाह अफरा से आप समझ रहे हैं कि हमको निगाह कहर से घूरेंगे और हम फंस निगाह नीचे कीजिए अदालत चल रही है। पर वकील साहब दिल्ली और बंबई के उच्च वर्ग के लोगों की तसल्ली के लिए एक बेगम ने ISI के किसी भाई ISI में ईसाई एक्चुअली ये वो वाला ISI नहीं, दिल्ली की किसी सामाजिक तकरीब चलाई। हाँ कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं भाई, मैं ये कहता हूँ जब फुलमा हमें ये बात समझा गए हैं कि अगर आप किसी चीज को शराब की मुशाबहत देख भी पीजिए तो भी वो हराम है, तो मैं कहता हूँ मिलते जुलते नाम वाले इदारे को खत लिखने की जरूरत ही क्या थी। इनका गुनाह पूरी तरह से साबित हो चुका।
चूंकि हम एक इंसाफ परस्त निजाम है और मुजरिम को सजा सुनाने से पहले उसको अपनी दफा में कुछ कहने की इजाजत देनी चाहिए, इसलिए आपको अपनी दफा में कुछ कहना है। हुजूर मुझे बस एक बयान दोहराना है जो आज से कोई 90 बरस पहले इसी तरह की अदालत में इसी तरह के किसी इल्जाम के जवाब में दिया गया। भाई हम किसी और के बयान में दिलचस्पी नहीं रखते, किसका बयान है? हुजूर वो हम सबके बाप थे, सबके बाप आजाद कीजिए। बापू हुजूर वो घुटे हुए सर वाले आदमी। अरे भाई तो बापू कहिए ना, हम सबके बाप कह के आप अदालत को गुमराह कर रहे हैं। जिस कानून के तहत मुझ पर ये इल्जाम लगाए गए हैं वो ताजीराते हिंद की सियासी पाबंदियों और जबर के कानूनों का सरताज है और सिर्फ शहरियों की आजादी को कुचलने के लिए वजूद में आया है। खैरखाही और खैरअंदेशी किसी सरकार के लिए कानून का सहारा लेकर जबरदस्ती नहीं पैदा की जा सकती। अगर कोई किसी समाज या सरकार से बदजन है तो उसे अपनी बदजनी के इजहार का हक है, पर यह कानून बदजनी के इजहार को जुर्म करार देता है। मैंने इस कानून का मुताला किया है, मुझे इस बात पे फख्र है कि जिस कानून के तहत चंद अजीम तरीन हिंदुस्तानियों को सजा दी गई है उस फहरिस्त में आज मेरा नाम भी लिखा जा रहा है। मैं समझता हूं कि मौजूदा सरकार बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों को नुकसान पहुंचा रही है और ऐसी सरकार से बदजन होना कार्य खैर है, बल्कि ऐसी सरकार के लिए खैरखाही का जज्बा रखना अपने आप में जुर्म और गुनाह होगा। जुर्म ऐसे इंसाफ में आंसू बहाओ ऐसे कानून पर जो कमजोर के लिए तलवार की धार है और जबरदस्त के लिए बागो बहार है, जो अपने लिए नगमे साज है और हमारे लिए मौत की आवाज है। तुम्हारे ही लिए बनाए गए हैं दुनिया के नजारे, चमकते हैं तुम्हारी ही रोशनी से चांद तारे। तुम्हारा गम है गम, औरों का गम ख्वाबों कहानी है। तुम्हारा खून है खून, हमारा खून पानी है। हुजूर ये सोहराब मोदी के फिल्मी डायलॉग बोल के अदालत में पहुंचा रहे हैं। इनसे कहिए कि ये कानून जो है ना वो जज्बातियत की राह में नहीं बहेगा। कानून अंधा होता है हुजूर, और हमारे मुल्क में कानून कुछ ज्यादा ही अंधा होता है। अदालत जज्बात की राह में आप फैसला नहीं सुनाती, इनका गुनाह पूरी तरह से अदालत के ऊपर साबित हुआ। हमारे यहां जात से अफजल निजाम है, निजाम से अफजल अमल है, अमल से अफजल नियत है, और इनकी नियत में खोट है। अदालत इनकी अर्जी खारिज करती है। पेशकार साहब तरह यहां है भाई, जरा ये बापू की फाइल खोलिए, इनका भी केस मशहूर है। जमशेदी गया, तिलिस्मे होशुबा गया, तिलिस्मे नूरअफशां गया, मैंने आज तक ऐसा तिलिस्म कहीं नहीं देखा है। इसको तोड़ने के लिए तो बहुत लंबी तैयारी करनी पड़ेगी बेटा। उस हकीम को तो मैं छोड़ा लूंगा, पर उसकी तरह के और हजारों हकीमों को उन्होंने अंदर कर रखा होगा, इतना मैंने पता लगा लिया है, और लाखों और लोग होंगे जिनकी तो समाधि नहीं होती है। उन सब के कुछ करने के लिए तो हमें सोच समझ के तैयारी का जाल फैलाना पड़ेगा। और एक बात बताओ, मुझे मालूम था कि सरजमीन हिंदुस्तान जन्नत निशान पे एक दिन ये होना ही है। अरे उस्ताद आपको कैसे मालूम था? पूछो क्यों क्यों हुजूर, जब हजरत आदम निकाले गए थे जन्नत से। आदम? अबे आदम अलैहिस्सलाम, अबे आदम, जब वो जन्नत से
से निकाले गए तो पता कहां भेजे गए थे? कहां 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 हिंदुस्तान में ये, और आदम जब पैदा हो रहा था ना, तो आदम के पैदा होने के लिए मिट्टी नहीं मिल रही थी, जो क्यों? क्यों जमीन मिट्टी नहीं दे रही थी, जो क्यों? क्यों क्यों कि फरमाया रब्बुल आलमीन ने, तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम बुलंदी आसमान की तय करके रुए जमीन पर आए, वहां आज जहां काबा है, और चाहा कि एक मुट्ठी खाक जमीन से लें, उस वक्त जमीन ने उनको रोका और कहा है जिब्रील मुझसे खाक मत ले, कि इससे एक खलीफा पैदा होगा कि जिसकी औलाद बहुत आसी और गुनहगार और मस्तूजे में अजाब होगी, मैं मिस्कीन की खाके पा हूं, ताकत और तहमुल उस अजाब की नहीं रखती। उस वक्त हजरत जिब्रील वापस चले गए, फिर हजरत इजराइल जमीन पर आए, जमीन ने उनको भी रोका पर उन्होंने ना माना और कहा तू जिसकी कसम मुझे देती है मैं उसी के हुक्म से आया हूं, तुझको लेकर ही जाऊंगा, और एक मुट्ठी खाक ली और आलमे बाला पर चले गए। तो बेटा जिस जबरदस्ती की ली हुई मिट्टी से आदम और उसकी औलादें बनी, उससे उनके खमीर में खोट पड़ गया। जब तक जमीन पे रहेंगी ऐसी ही सरकशी करती रहेगी, हत्ता की जमीन से उठा न ली जाए। तो ऐ फरजंद इस इनकलाब पे हैरानी क्यों हो? कि जमाने का यही दस्तूर है कि जंगल कटते हैं शहर बसते हैं, जो शहर की वीरान हो गए उन्हें सब रोते हैं, पर अजीजों उन जंगलों को भी तो याद करो जिन्हें इन बस्तियों ने वीरान कर दिया। इस कत्ते अर्ज के वो बुलंद बाला शजर कि हर शजर एक शहर था, हर पत्ता एक कूचा और हर गली एक गली, कहां गए? कैसे मंजर सामने आने लगे, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुमलाने लगे हैं, एक कब्रिस्तान में घर मिल रहा है जिसमें तहखानों से तहखाने लगे हैं, मछलियों में खलबली है, अब सफीने उस तरफ जाने से कतराने लगे हैं, वो सलीबों के करीब आए तो हमको कायदे कानून समझाने लगे हैं, मौलवी से डांट खाकर अहले मक्तब फिर उसी आयत को दोहराने लगे हैं, अब नई तहजीब के पेशे नजर हम आदमी को भून कर खाने लगे हैं, जैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, कैसे मंजर सामने आने लगे हैं। Discuss the right to dissent at the MCBA Hall, Mumbai on 30th May 2011, hereby demands that in order to protect the rights of the people to organize and struggle against policies and actions which deprive them of their lives and livelihood, the government repeal with retrospect effect the sedition laws as contained in the S-124A of the IPC and the Seditious Meetings Act law, the Unlawful Activities Prevention Act 2204, the Armed Forces Special Power Act 1958, the Chhattisgarh Public Security Act and other similar public security acts of other states, and we further resolve to work towards organizing widespread support for this our demand till it is realized.
Thank you.